उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को उत्तराखंड के कैची धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा नीम करौली और पूजा अर्चना की। स्थानीय युवतियों में मीरा तिवारी और भावना तिवारी का तिलक चंदन लगाकर स्वागत किया गया। कैची धाम में बृहस्पतिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैची मंदिर पहुंचकर बाबा नीम कर पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति ने एक घंटे तक मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कैची धाम में आकर अभिभूत हूँ, ये देव भूमि है और भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रख रखाव उत्कृष्ट है। राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी हुई है और भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। G20 में हमारा सिद्धांत दुनिया के समक्ष गया, एक परिवार और एक भविष्य और एक पृथ्वी। अभिभूत हूँ, देव भूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। इन स्थानों का रख रखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है, नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी है। भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत नहीं रखता है। भारत दुनिया को एक कुटुंब मानता है, वसुदेव कुटुंबकम। G20 में हमारा मोटो दुनिया के समक्ष गया, वन फैमिली वन फ्यूचर एंड वन अर्थ। ये कितने जबरदस्त बात है, ऐसे स्थान पर आकर आदमी आत्मा को पहचानता है। दिल दिमाग और आत्मा का समीकरण होता है। आई फाइंड कन्वर्जेंस।